रिजर्व पुलिस लाइन स्थित राधे कृष्ण मंदिर में धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का मनाया जाएगा त्योहार। मंदिर परिसर की साफ सफाई, रंग रोगन और विभिन्न प्रकार की झांकियां तैयार करने में जुटे पुलिस कर्मी। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने घोसी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव पर कहा कि पूरे प्रदेश में चल रहा है विकास का कार्य, इसलिए घोसी में खिलने जा रहा है कमल। PS95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा 7 सितंबर को संयुक्त अधिवेशन का किया जाएगा आयोजन। अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर करेंगे चर्चा। कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार को कराया जाएगा अवगत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। 200 फरियादियों की सुनी फरियाद। कहा, बीमारी से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए सरकार देगी धन। सरकार करेगी हर फरियादी की हर संभव मदद। रविवार को जनपद में हुई झमाझम बारिश से लोगों को मिली गर्मी व उमस से राहत। लोगों ने चैन की ली सांस। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल ने राष्ट्रीय व्यापारी दिवस एवं स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में दृष्टिबाधित बालिका विद्यालय के बालिकाओं को वितरित किया किताब व पेन। कहा, इन किताबों के माध्यम से बालिकाओं को पढ़ाई में मिलेगी मदद। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूँ फरीद अहमद। कृष्ण जन्माष्टमी 6 सितंबर को मनाई जाएगी। इस बार का पर्व श्रद्धालुओं के लिए खास होने वाला है। 30 वर्ष बाद इस बार जन्माष्टमी पर अत्यंत पुण्यदायी जयंती योग बन रहा है। इस योग में पूजन अर्चन से श्रद्धालुओं के पापों से मुक्ति मिलेगी, वहीं पुण्य में वृद्धि होगी। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी रिजर्व पुलिस लाइन स्थित राधे कृष्ण मंदिर में धूमधाम के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा। लाइन के पुलिसकर्मियों द्वारा मंदिर परिसर की साफ सफाई और रंग रोगन करने के साथ ही पूरे मंदिर परिसर को और भी आकर्षक बनाने में जुट गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी त्यौहार के दिन विभिन्न प्रकार की झांकियां सजाई जाएंगी। भजन कीर्तन के साथ पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने घोसी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पूरे देश में काम किया है और जिस तरह से गोरखपुर में विकास के कार्य हो रहे हैं, उसी तरह से घोसी में भी विकास के कार्य हो रहे हैं। इससे निश्चित ही घोसी में कमल खिलने जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कार्य शुरू किया है और जिस तरह से पिछले 8-10 वर्षों में जिस तरह से कार्य हो रहे हैं, चाहे वो देश में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे वो गोरखपुर में हो, चाहे घोसी में हो, हर जगह जिस तरह से विकास के कार्य हो रहे हैं, निश्चित तौर से आपकी जीत जो है भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। धन्यवाद। EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा 7 सितंबर को गोरखपुर बस्ती मंडल का संयुक्त अधिवेशन और सम्मेलन गोरखपुर स्थित एक निजी प्रतिष्ठान में किया जा रहा है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत सहित दर्जनों केंद्रीय व प्रांतीय जन भाग लेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद व राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल रहेंगे। इस कार्यक्रम के माध्यम से केंद्र सरकार को अवगत कराया जाएगा कि सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन को यथाशीघ्र पूरा नहीं किया गया तो आने वाले चुनाव में EPS 95 से आच्छादित 8 करोड़ कर्मचारी व उनके परिवार, जिनकी कुल संख्या 36 करोड़ है, वो सरकार को समर्थन न देने का विचार करने पर मजबूर होंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए चंद्रशेखर पांडे ने कहा, EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा देशव्यापी आंदोलन चलाए जाने के तहत गोरखपुर में गोरखपुर और बस्ती मंडल दोनों का के संयुक्त तत्वावधान में EPS 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति का सम्मेलन गोकुल अतिथि भवन गोरखपुर में दिनांक 7/9/2023 को होने जा रहा है, जिसमें संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत और केंद्रीय नेतृत्व के लोग, प्रांतीय नेतृत्व के लोग और उत्तर प्रदेश के विभिन्न मंडलों के लोग, अन्य प्रदेशों के लोग तथा बस्ती गोरखपुर मंडल के समस्त EPS 95 से संबंधित आच्छादित समस्त सदस्यगण उपस्थित होंगे। इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल सांसद और राज्यसभा और
राष्ट्रीय महासचिव भाजपा होंगे, इसी संबंध में हम लोग प्रेस वार्ता और मांग बता दीजिए। मांगे हमारी मुख्य हैं, मुख्य क्या है, चार मांगे हैं। नंबर एक कि हमारी पेंशन जो न्यूनतम इस समय 1000 है, उसको 7500 तथा महंगाई भत्ता उसके साथ दिया जाए। नंबर दो कि हमें हमारे परिवार को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाए। तथा तीसरा नंबर है कि हमारे जो साथी इस पेंशन योजना से वंचित रह गए हैं और ईपीएफ के मेंबर रहे हैं, उनको भी इस योजना में किसी तरह से लाकर और नियमों में संशोधन करके उन्हें भी 5000 रुपये महीने पेंशन दिया जाए। चौथा है कि जो 4/11/22 को सुप्रीम कोर्ट ने हायर पेंशन के बारे में आदेश किया है, उसका सरलीकरण किया जाए और ईपीएफओ द्वारा मनमाने ढंग से सर्कुलर जाने जारी करने पर रोक लगाया जाए। तथा जो हमारे सदस्यों को धनराशि हायर पेंशन प्राप्त करने के लिए जमा की जानी है, उसे नगद न जमा करा के और बुक ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि उनको पेंशन का एरियर भी तमाम प्राप्त होगा। तो इस संबंध में हम लोग जो है प्रेस वार्ता करनी है। मेरा चंद्रशेखर पाठक, समन्वयक, राष्ट्रीय संघर्ष समिति मंडल गोरख। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के तीसरे दिन गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार में आए 200 फरियादियों की फरियाद को सुना। मुख्यमंत्री स्वयं फरियादियों के पास जाकर उनका प्रार्थना पत्र हाथ में लेकर उनसे समस्याओं को पूछकर निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश देते नजर आए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकार हमेशा फरियादियों के साथ खड़ी है, यदि किसी भी फरियादी को किसी तरह की समस्या होती है तो तत्काल अधिकारी संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई करें। वहीं जनता दरबार में कुछ फरियादी बीमारियों के इलाज के लिए धन के लिए पहुँचे थे, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी फरियादियों से उनकी समस्याओं को जानकर एस्टिमेट बनाकर शासन में भेजें, जिससे शासन से धन आवंटित कर पीड़ित का इलाज करवाया जा सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश, एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर, एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बोलो क्या बात है। हाँ, देवरिया में देवरिया का हाँ बताए क्या हो गया है। ये गोंडा का स्कूल स्कूल पढ़ते हो? नहीं स्कूल भेजो, स्कूल भेजो। इसको देखो जी, समझौता वगैरह कराने के गोरखपुर को मामला जनपद में रविवार को हुई झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी में राहत मिली। आपको बता दें कि एक हफ्ते से गर्मी व उमस से लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया था, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन रविवार को हुई बारिश से लोगों को राहत मिली और लोगों ने चैन की सांस ली। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल व उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल ने राष्ट्रीय व्यापारी दिवस एवं स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्य अतिथि महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव की अध्यक्षता में दृष्टिबाधित बालिका विद्यालय की बालिकाओं को किताब का वितरण किया, जिसके संबंध में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री अमित टेवड़ीवाल ने बताया कि हम लोगों के संगठन का स्थापना दिवस है, जिसको 20 साल हो गया है। हम लोग हर साल स्थापना दिवस के अवसर पर बच्चों में किताब व पेन वितरित करते हैं, जिसमें महापौर मंगलेश श्रीवास्तव ने भाग लिया है और बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया है। इस अवसर पर अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के जिला कोषाध्यक्ष शिव कुमार अग्रवाल, जिला उपाध्यक्ष राम सेवक वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री अमित टेवड़ीवाल, महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने कहा,
ये तो एक बहुत आदर्श कार्य है और इसके लिए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के सभी सदस्यों को मैं साधुवाद देता हूं और उनको प्रणाम करता हूं। और ऐसे जो फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं उनको हम सब मुख्य धारा में से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए ये मैं समझता हूं कि ये बहुत पुनीत और पावन कार्य है। इन सबको हृदय से बधाई, धन्यवाद। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल के संगठन का स्थापना दिवस का 30 साल पूरा हुआ है और आज के दिन ही हम लोग राष्ट्रीय व्यापारी दिवस भी मनाते हैं, तो उसी उपलक्ष्य में हम लोगों ने एक ये कार्यक्रम किया है जिसमें हम लोगों ने स्पर्श राजकीय बालिका अंध विद्यालय स्कूल है उसमें बच्चों को हम लोगों ने उनके पढ़ने लिखने की चीज़ें वितरित की हैं और उनके भोजन की व्यवस्था की है और ये संगठन की तरफ से हम लोगों का जो है कार्यक्रम हुआ है और हर साल हम लोग 3 सितंबर को ऐसे ही कार्यक्रम करते रहते हैं और ये संगठन की तरफ से बहुत ही पुनीत कार्य हम लोगों ने किया है और इसके लिए हमारे संगठन के सभी पदाधिकारियों सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हर साल होता है? हाँ, ये हर साल होता है, जहाँ हर साल अलग अलग जगह पे अलग अलग कार्यक्रम होते हैं 3 सितंबर को। मैं अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का जिला महामंत्री अमित त्रिवेवाल।